हाय गाइज़ हाउ आर यू आर डूइंग वेलकम टू लेट्स क्रैक नीट तो एक और चैप्टर आज हम लोग मैक्सिमम खत्म कर लेंगे सिर्फ फ्लोरल फार्मूलाज रह जाएगा बाकी सारा हम लोग आज ही खत्म कर लेंगे इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों वो ये है कि आपको इसमें क्या नहीं पढ़ना जानना आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो मैं आपको स्पेसिफिकली इसको एन सेंट्रिक बताऊँगा इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स के अलावा और कुछ नहीं है और सिर्फ एग्जाम्पल्स ही आते हैं ठीक है जहां तक मैं पढ़ा रहा हूं आपको ठीक है सिर्फ एग्जाम्पल्स ही आते हैं तो हम लोग यही जानेंगे आज कौन सा एग्जाम्पल पढ़ना है कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है ठीक है इसमें कुछ ऐसा समझाने लायक नहीं है प्लस यह डिस्क्लेमर है कि मैं ये चैप्टर दूसरी बार अपनी जिंदगी में पढ़ा रहा हूं ठीक है मैंने इसके पहले एक ही बार प्लस पे यह चैप्टर पढ़ाया है उसके पहले मैंने यह चैप्टर पढ़ाया नहीं कभी तो एनी वेज ठीक है तो बिल्कुल इसको एनसीआर सेंट्रिक रखेंगे जितना मुझे अभी याद है जितना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्पेकुलेट करके जितना मैंने एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट को स्पेकुलेट करके और एनसीआर को स्पेकुलेट करके एक लिस्ट बनाई है उतने एग्जाम्पल्स ही आपको याद रखने बहुत कुछ हम ओमिट करने वाले हैं है ना हम बहुत कुछ छोड़ने वाले हैं एंड प्लीज डू नॉट स्टडी दिस टॉपिक्स प्लीज डू नॉट स्टडी दिस टॉपिक जो मैं बो बोल रहा हूं इसको उसी तरह से मानिएगा इस चैप्टर में आपसे गलतियां इसीलिए होती हैं कि आप जरूरत से ज़्यादा याद कर लेते हैं और जो कोर कंटेंट होता है वही भूल जाते हैं ठीक है थीके? तो हम यहां पे 50 एग्जाम्पल ही याद करेंगे और इन्हीं 50 एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएंगे आपके उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे ठीक है तो प्लीज डू नॉट डू नॉट स्टडी न्यूमरस एग्जाम्पल जो इसके बाहर मैं बता रहा हूँ उससे एग्जाम्पल नहीं बिल्कुल एनसीआर टी पे चलेंगे एनसीआर में एक दो एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं जिसके उनके जो मैंशन किया उनके एग्जाम्पल्स को हम देखने वाले हैं तो इट शुड भी वेरी सिंपल इट शुड बी एज सिंपल एज दैट इसमें कुछ ऐसा दिक्कत आपको नहीं आएगी ठीक है चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड गाइड ये मेरे बारे में कुछ गाइज है मैं आपको नीट के लिए इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ और मैं चार सालों से आपको नीट के लिए तैयारी करा रहा हूँ ठीक है मैं आपको अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर ही पढ़ाता हूँ जहाँ पे मेरे सुपर अमेजिंग सुपर रैंकर्स कोर्सेस चल रहे हैं उसका मॉड्यूल टू लॉन्च होने वाला है बच्चों तो फटाफट इनरोल कर लो जो भी बच्चे ट्वेल्थ में है जो भी बच्चे क्लास इलेवेंथ में है अभी या ट्वेल्थ टेंथ से इलेवेंथ में जाने वाले उनके लिए बहुत अमेजिंग कोर्सेज लॉन्च हुए हैं तो फटाक से इनरोल कर लो आपको इस प्लेटफॉर्म पे इंडिया के टॉप फोर्टी प्लस एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलता है इंक्लूडिंग मी मेरे भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं आप उन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो मतलब इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन मतलब इस समंदर है नॉलेज का फॉर नीट एवरी थिंग यू वॉन्ट यू विल फाइंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे टेस्ट सीरीज का एनालिसिस हो चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिस हो चाहे वो डाउट्स हो सारे सारे कुछ आपको यहां पे मिल जाएंगे इसके लिए आपको अन का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आप वन और टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लें जब भी अन का आप सब्सक्रिप्शन लें नीट यूजी का हमेशा रेफरल कोड आनंद यूज करें ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए प्लस आप मेरे मेंटरशिप के अंदर आ जाए राइट यू विल बी बीइंग मेंटर्ड यू विल बी मेंटर्ड बाय अ डॉक्टर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको मिल जाएगा इस सब्सक्रिप्शन से तो मैं आपको फिजिक्स में भी हेल्प कर सकता हूँ केमिस्ट्री में भी हेल्प कर सकता हूँ कैसे पढ़ना है वो सब मैं आपको पूरा फॉर्मुलेट करके बता सकता हूँ तो मेरे मेंटरशिप में अगर आप आना चाहते हैं तो वन और टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए और रेफरल कोड आनंद यूज़ कीजिए राइट चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर हम किसी चीज का बाहरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं ठीक है किसी चीज का बाहरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पूरा बाहर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी राइट अगर टिश्यू का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम अनाटमी देखें अनाटमी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है अब मॉर्फोलॉजी आज हम निपटा देते हैं राइट right? चलिए यहां पे इसमें कुछ अंडरलाइन करने का जरूरत नहीं है तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल सरफेस जैसे रूट्स हो गया स्टेम्स हो गया लीव्स हो गया फ्लावर हो गया सीड हो गया और फ्रूट हो गया हम इन्हीं चीजों को पढ़ने वाले हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट से तो रूट की अगर हम बात करें तो दो तरह के रूट सिस्टम होते हैं एक होता है टैप रूट सिस्टम और दूसरा होता है एक होता है टैप रूट सिस्टम और दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट ठीक है देखो एक होता है देखो तुम्हारे जो रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो पहला जो रूट सिस्टम है इसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम सबसे पहला जो रूट सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम ठीक है देखो क्या होता है अगर कोई रूट अगर कोई रूट रेडिकल से निकल रहा है अगर कोई रूट रेडिकल से निकल रहा है और इससे अगर प्राइमरी रूट निकलता है अगर इससे प्राइमरी रूट निकलता है और यह प्राइमरी रूट परसिस्टेंट रह जाता है मतलब यह प्राइमरी रूट रह गया अगर यह प्राइमरी रूट परसिस्टेंट रह जाता है परसिस्टेंट मतलब यह रह जाएगा परसिस्टेंट रह जाता है तो इसको हम कहते हैं टैप रूट इसको हम कहते हैं टैप रूट ठीक है क्या हुआ अगर किसी रेडिकल रेडिकल सीट के रेडिकल से जो रूट निकला और उसमें प्राइमरी रूट अगर परसिस्टेंट रह जाता है

ये इसका शॉर्ट लिव्ड होगा कुछ दिन जिंदा रहेगा और उसके बाद ये मर जाएगा एंड इस तरह के रूट सिस्टम को हम फाइबरस रूट कहते हैं मतलब फिर इसके बाद यहां से सेकेंडरी रूट निकलेंगे इसके बाद यहां से सेकेंडरी रूट निकलेंगे और लेटरल ब्रांचेस अराइज करेंगे ठीक है तो प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होगा यहां से फिर सेकेंडरी रूट निकलेगा और ये सेकेंडरी रूट जो है ये बुश लाइक झाड़ी जैसा अपीयरेंस देगा ना तुम कभी कुछ कुछ प्लांट को उखाड़ोगे तो देखोगे एकदम बिल्कुल बुश लाइक अपीयरेंस देता है राइट तो सेकेंडरी रूट जो है ये तुम्हारा बुश लाइक -like अपियरेंस देता है ये तुमको बुश लाइक -like देता है झाड़ी जैसा ठीक है तो इसको हम कहते हैं है, फाइबरस, है, फाइबरस रूट ठीक है तीसरा रूट जो होता है इसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट एडवेंटिशियस रूट मतलब अगर कोई रूट किसी और पार्ट ऑफ द प्लांट से निकल रहा है रेडिकल छोड़ के किसी और पार्ट से अगर कोई रूट निकल रहा है जैसे स्टेम से निकल गया ब्रांच से निकल गया लीफ से निकल गया कहीं से भी अगर रूट निकल रहा है तो इस तरह के रूट को हम एडवेंटीशियस रूट कहते हैं तो तीसरा रूट होता है कि अगर एनी अदर पार्ट एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट से अगर कोई रूट निकल रहा है तो इस तरह के रूट को हम एडवेंटीशियस रूट कहते हैं इस तरह के रूट को हम एडवेंट रूट कहते हैं ठीक है तो याद रखिएगा इसको ठीक अच्छा तो इन मेजोरिटी ऑफ डाइकॉट जैसा मैंने आपको बताया देर इज अ डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल तो रेडिकल से जो रूट निकला दैट विल बी द प्राइमरी रूट देर इज डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल और लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इन साइड द सॉइल एंड बी एस लेटरल रूट कॉल्ड सेकेंडरी रूट बीएस लेटरल रूट कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स ठीक है द प्राइमरी रूट एंड इज ब्रांचेस कंस्टीट्यूट द टैप रूट सिस्टम द प्राइमरी रूट एंड ब्रांचेसूट द टैप रूट सिस्टम ठीक है बट अगर कुछ मोनोकॉड्स की बात करें अगर कुछ मोनोकॉड्स की बात करें तो मोनोकॉर्ड्स में क्या है कि प्राइमरी रूट जो है वो शॉर्ट लिफ्ट है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता इन मोनोकॉड्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिफ्ट एंड इज रिप्लेस बायार्ज नंबर ऑफ रूट इनको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट इनको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट और इस सेकेंडरी रूट से फाइबरस या बुश लाइक अपीयरेंस होता है जिसको हम फाइबरस रूट कहते हैं विच कैन बी सीन इन केस ऑफ वीट प्लांट या किसी भी मोनोकॉट में आप देखेंगे तो आपको फाइबरस रूट सिस्टम दिखेगा जो एकदम झाड़ी जैसा अपीयरेंस बेस ऑफ द स्टेम से झाड़ी जैसा अपीयरेंस दिखेगा तुम आसानी से उखाड़ सकते हो मोनोकॉट रूटेड प्लांट को या फाइबरस रूटेड प्लांट को वही डाइकॉट रूटेड प्लांट को आपको उखाड़ने में दिक्कत आएगी ठीक <laughs> अच्छा और बहुत सारे प्लांट्स है जहां पे किसी और पार्ट से रूट एराइज करता है इसको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं तो अगर रेडिकल के अलावा रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अगर कोई रूट एराइज कर रहा है तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं अच्छा क्या है एडवेंटिशियस रूट का इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्बन ऑफ वाटर एंड मिनरल ठीक है एंकरेज स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग मिस कर जाते हैं ठीक है रूट्स ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लीज मार्क इट मार्केटाउन यहां क्वेश्चन मुझसे भी गलत हुआ था जब मैंने एक बार ध्यान दिया था ठीक है तो इट ऑल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इस पर क्वेश्चन आया हुआ है प्लीज मार्क इट डाउन इसी तरह के डिटेल्स आपको इंपॉर्टेंट पा जाते हैं इसी तरह के डिटेल्स में आपको गड़बड़ कर देते हैं इसी तरह के डिटेल्स में आप गड़बड़ करते हैं राइट तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या हुआ एंकरेज प्रोवाइड कर रहा है स्टोरेज सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट मार्क कर लेना ये मिसप्लेस हो जाता है आप लोगों से ठीक तो अगर हम टिपिकल प्लांट की बात करें तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये रूट है ऊपर वाला जो स्टेम हो गया स्टेम के एक्सिस पे यहां पे नोड हो गया नोड पे जो बर्ड है वो ऑक्सिलरी बर्ड आ गया लीफ फ्रूट फ्लावर ठीक है और ये बर्ड है जो एक्जिलरी बर्ड है ठीक है ये प्राइमरी रूट हो गया जो मेन रूट आ रहा है इसके रेटर जो रूट आ रहा है दैट इज सेकेंडरी रूट तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट चलिए आगे बढ़ते तो टाइप्स ऑफ रूट देखा जैसे हमने ये हो गया तुम्हारा टैप रूट ये तुम्हारा हो गया टैप रूट ये तुम्हारा हो गया फाइबरस रूट और ये देखो किसी और पार्ट से निकल रहा है देखो ना रूट देखो ना किसी और पार्ट से स्टेम के बेस से या कहीं और से निकल रहा है तो ये तुम्हारा हो जाएगा एडवेंटिशियस रूट ठीक है इसमें क्या हो रहा है इसमें मेन रूट मर गया और बेस ऑफ द स्टेम से झाड़ी लाइक अपियर निकला है दैट इज वाई इज कॉल्ड फाइब्रस रूट और ये तुम्हारा टैप रूट और टैप रूट फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट हमने देख लिया अब एक रीजन अगर हम रूट का देखते हैं तो ऐसा कुछ रीजन होगा ठीक है सबसे नीचे वाला जो रीजन होता है रूट का जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड द रूट कैप सबसे नीचे वाला रीजन जो होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड द रूट कैप ठीक है उसके ऊपर एक रीजन होता है उसके ऊपर एक रीजन होता है इसको हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी इसको हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी क्या करता है यहां पे हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करते हैं सो आर डिवाइडिंग सेल्स जहां एक्टिविटी हो रहा है ठीक है तो इसको हम रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी कहते हैं ठीक है इसके बीच वाला जो सेल होता है इसको हम कहते हैं जोन ऑफ इलाशन इसके बीच वाला जो सेल होता है इसको हम कहते हैं जोन ऑफ इलाशन तो ये जोन ऑफ क्या होता है मेरिसमेटिक वाले सेल को पुश करता है नीचे की तरफ ये जोन ऑफ क्या करता है Marismatic वाले सेल को पुश करता है नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ पुश करेगा तो क्या होगा ये अंदर की तरफ जाता जाएगा ये अंदर की तरफ जाता जाएगा मतलब ये वाला जो सेल है ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर जाएगा मान लो ठीक है ये मान लो दस सेल में ऐसे ऐसे डिवाइड कर गया ठीक है अब जोन ऑफ इलांगेशन में क्या होगा ये 10 से लंबा हो जाएगा ये जैसे 10 सेल लंबा होगा तो मतलब रूट अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा तो ये 10 सेल जैसे लंबा होगा ये रूट अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है जिसको तो हम कहते हैं जोन ऑफ इलांगशन और लास्ट वाला जो जोन है इसको कहते हैं जोन गौणेशन। जोन ऑफ ऑफ से रूट हेयर निकलते हैं विचार यूनि सेल्यूलर इन नेचर आर यूनि सेल्यूलर इन नेचर तो याद रखिएगा जो जोन ऑफ रूट हेयर है रूट और हेयर जो है वो रीजन ऑफ मेच्यूरेशन से निकलेगा रूट हेयर जो है वो रीजन ऑफ मेच्यूरेशन से निकलेगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है ठीक है ठीक है तो तीन जोन दिखा आपको मेरिस्मेटिक जोन इलोंगेशन और मैच्यूरेशन ठीक है द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिंबल लाइक स्ट्रक है ना ऐसे नंबर जो नीचे से थिम्बल के ढक्कन जैसा उसको लगा के रखा है ना कवर करके रखा है मेरिस्मैटिक टिश्यू बहुत सॉफ्ट होते हैं इसलिए उनको एक कवर या प्रोटेक्शन करके देता है दैट इज कॉल्ड द रूट कैप ठीक है अच्छा जोन ऑफ मेरिस्मैटिक रीजन ऑफ मेरिस्मैटिक एक्टिविटी यहां पर हो रहा है ठीक है द सेल्स ऑफ दीज आर स्मॉल छोटे साइज के सेल होंगे डेंस साइटोप्लाजम होगा और प्रमिनेंट न्यूक्लियस होगा ताकि वो डिवाइड करते हैं ठीक है थिन वॉल्ड एंड प्रोमिनेट न्यूक्लियस ताकि ये डिवाइड रिपीटेडली उसके नीचे वाले सेल में रैपिड इलोंगेशन होता है तो इसको हम जोन ऑफ इलांगेशन कहते हैं जो लेंथ ऑफ रूट बढ़ाएगा ठीक है उसके बाद ये मेच्योर कर जाता है और मेच्योर करता है तो जोन ऑफ मेच्योरेशन कहते हैं मेच्योरेशन जोन में आपके रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स आर यूनि इन नेचर विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स राइट Which helps in of water and अगला आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट किस किस चीज का मॉडिफिकेशन यहां पे जितने एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं उतने ही एग्जांपल्स आपको आएंगे उससे ज्यादा नहीं आएंगे ध्यान दीजिएगा ठीक है इन समूट प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन सपोर्ट के लिए हो सकता है स्टोरेज के लिए हो सकता है और रेस्पिरेशन के लिए हो सकता है एनसीआर तुम्हारे तीन चीजों के लिए बात करती है हम उन्हीं तीन का देखेंगे ठीक है सपोर्ट स्टोरेज एंड रेस्पिरेशन फिर हम नहीं देखेंगे कि कहां है है में क्या होता 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 था कहां होता था था फेसिकुलेटेड ना हम लोग पूरा जो कहानी पढ़ते थे उससे इस जन्म में सवाल नहीं आएगा ध्यान रखिएगा ठीक है तो क्या है जैसे टैप रूट ऑफ कैरेट टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट्स वोलन टू सोअर ये तो अब देखो तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हम लोग लिख लें यहां पे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ठीक है अच्छा अच्छा क्या क्या है सबसे पहला सबसे पहला आता है तीन सा पहला आता है तुम्हारा नेपिफॉर्न दूसरा आता है तुम्हारा फ्यूजी और तीसरा आता है तुम्हारा कोनिकल पहले इसके साइंटिफिक नेम बहुत आते थे डॉकस कैरोटा रेडिस का था रेफेनस सेटिवस अभी तक याद है हम लोग को पढ़ाया जाता था ठीक है और ब्रासिका नेपस तो आता था ऐसे ठीक है तो इसका एग्जाम्पल आ गया कोनिकल का एग्जाम्पल क्या आ गया कोनिकल का एग्जाम्पल आ गया कैरेट ठीक है अब इसका साइंटिफिक नेम वगैरह आता नहीं है फ्यूजीफॉर्म फ्यूजी फॉर्म मतलब chip, इधर भी चिपका इधर भी चिपका तो इसका हो गया एग्जाम्पल रेडिश नेपी फॉर्म का एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों नेपी फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया टर्निप राइट नेपी फॉर्म बिल्कुल ऐसे फूला रहेगा ठीक अच्छा ये हो गया तुम्हारा मॉडिफिकेशन टाइप रूट अगर वही हम देखें दूसरा एडवेंटिशियस रूट का अगर हम मॉडिफिकेशन देखें स्टोरेज के लिए एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन देखें अगर हम स्टोरेज के लिए तो इसका एग्जांपल आ जाएगा स्टोरेज के लिए इसका एग्जांपल आ जाएगा स्वीट पोटैटो ठीक है स्टोरेज के लिए आ जाएगा स्वीट पोटैटो है ना पोटैटो तुम्हारा रूट ही है ठीक है स्टोरेज के लिए तुम्हारा स्वीट पोटैटो आ जाएगा ठीक अच्छा सपोर्ट के लिए अगर हम बात करें सपोर्ट के लिए अगर हम बात करें तो सपोर्ट में तुम्हारा दिया एनसीआरटी में दो एग्जाम्पल एक आ गया प्रॉप रूट है ना प्रॉप रूट क्या होता है अगर ब्रांच से ऐसे लंबा 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 लंबा, लंबा नीचे रूट निकला है तो उसको हम प्रॉप रूट कहते हैं ठीक है इट कैन बी सीन इन केस ऑफ बैनियन ट्री क्या नाम था इसका ये फाइकस बैंगल हेंसिस यही नाम था ना हम लोग को पहले बहुत पहले पढ़ाया गया था इतना इतना नाम याद कराते थे इसमें बट अब आता ही नहीं है ठीक है दूसरा आ गया स्टिल्ट रूट स्टिल्ट रूट क्या होता है नोड के बेस से निकलता है जहां नोड है नोड से छोटे 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 छोटे, छोटे रूट निकलेंगे तो दिस कैन बी सीन इन केस ऑफ सुगर केन एंड मेज सुगर केन और मेज में तुमको स्टिल्ट रूट मिलेगा ठीक है और लास्ट तुम्हारा रेस्पिरेटरी रूट सांस लेने के लिए हेल्प करेगा या ऑक्सीजन ये खास करके मैनग्रोव फॉरेस्ट में या मार्शी एरिया में जहां पे हैलोफाइट्स रहते हैं जहां पे मतलब नमकीन पानी है तो वहां पे ऑक्सीजन डिफिशियंसी होता है तो ये रूट हवा में निकल जाते हैं इस तरह के रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं ठीक है इस तरह के रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं तो न्यूमेटोफोर्स कैन बी सीन इन केस ऑफ न्यूमेटोफोर्स कैन बी सीन इन केस ऑफ राइजो फोरा राइजो फोरा ठीक है ये मार्शी लैंड में पाए जाएंगे या ये हेलो फाइट्स होते हैं ठीक है तो इट इस कैन बी सीन इन केस ऑफ राइजो फोरा एंड दिस इज फाउंड इन मार्शी लैंड दिस इज फाउंड इन मार्शी लैंड ठीक है सो दीज आर कॉल्ड स्टिल ट्रूट हमने देख लिया ठीक है हैंगिंग स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय बायियन ट्री प्रॉप रूट ठीक स्टेम ऑफ मेज सपोर्टिंग रूट होता है इसको हम स्टिल ट्रूट कहते हैं ठीक है राइजोफोरा में या स्वैम्पी एरिया में तुमको मिल रहा है क्या न्यूमेटोफोर जो हेल्प करता है रेस्परेशन रूप है ठीक है फिर अब इसमें तुमको बहुत सारे एनसीईआरटी के बाहर बहुत सारे एग्जांपल्स थे जो आपको नहीं पढ़ना वेलाइमिन होता था एयर पॉकेट वग़ैरह ठीक है इस तरह के इपिकाक तुमको दिखता था फिर बीडेड दिखता था है ना इस तरह के रूट्स कोई भी तुमको इसके अलावा एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने ठीक है इसके अलावा एग्जाम्पल तुमको कोई भी नहीं पढ़ने ठीक है तो अब देखो इसमें तुम्हारा ये आ गया ट्यूबरस रूट ठीक है है ना ट्यूबरस रूट या इसको फेसिकुलेटेड भी कहते हैं कुछ लोग ठीक ये तुम्हारा टर्निप का जैसा मैंने बताया नेपी फॉर्म है ना एक गोल और नीचे पॉइंटेड आ गया ठीक है ये तुम्हारा कैरेट का जैसा मैंने बताया है ना कैरेट का तुम्हारा ये कोनिकल और ये मैंने जैसा आपको बताया था फ्यूजी फॉर्म है ना इधर से भी स्पिंडल इधर से भी स्पिंडल ये तुम्हारा फेसिकुलेटर सॉरी ये तुम्हारा फेसिकुलेटेड हो गया ये तुम्हारा इसका आ गया आ, ये स्वीट पोटैटो है ना ये तुम्हारा एडवेंटिश है एडवेंटीस है ये भी तुम्हारा एडवेंटिज़स है जो न्यूमेटो फोर्स आ गया ठीक है ये मैनग्रोव फॉरेस्ट में तुमको मिलेगा ठीक है ये भी एडवेंटि इसमें वो टर्निप नहीं या रेडिश नहीं दिया ये तुम्हारा रेडिश डिश होता ना ऐसे यहाँ से भी स्पिंडल यहाँ से भी स्पिंडल ये तुम्हारा रेडिश होगा ठीक है और रेडिश में तुम्हारा क्या आ जाएगा रेडिश में जैसा मैंने आपको बताया था के रेडेस में तुम्हारा फ्यूजी फॉर्म होगा ठीक है तो ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन ये तीनों ये तुम्हारा एडवेंटिशियस रूट हो जाएगा ये भी तुम्हारा एडवेंटिशियस रूट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए ग्रेट हाँ। अगला आते हैं स्टेम की बात करते हैं स्टेम भाई क्या तो स्टेम तुम्हारा स्टेम में अलग-अलग स्ट्रक्चर आता है स्टेम रूट के ऊपर जो बात है उसको हम स्टेम कहते हैं ठीक है स्टेम कहां पे आएगा स्टेम तुम्हारा प्लूम्यूल से राइज करेगा है ना प्लूम्यूल से तुम्हारा स्टेम राइज करेगा और रेडिकल से तुम्हारा रूट राइज करेगा ठीक है स्टेम के पास नोड्स होते हैं और इंटर नोड्स होता है ठीक है द रीजन ऑफ स्टेम वेयर द लीव्स आर बॉर्न इज कॉल्ड नोड जहां पर लीव्स आ रहे हैं उसको हम नोड्स कहेंगे और दो नोड्स के बीच में जो जगह होता है उसको हम इंटर नोड्स कहते हैं मतलब अगर ये स्टेम है अगर ये स्टेम है तो जहां पे यहां पे एक नोड हो गया ठीक है यहां पे दूसरा नोड हो गया और इन दोनों के बीच का जो जगह है इसको हम इंटर नोड कहेंगे इन दोनों का बीच का जो जगह है इसको हम इंटर नोड कहेंगे ठीक है अच्छा इसके ऊपर बर्ड्स होते हैं दो तरह के बर्ड्स होते हैं स्टेम पे या तो टर्मिनल बर्ड है जो टर्मिनल बर्ड एंड पे पाया जाएगा अगर मान लो इस फ्लावर के एंड पे यहां पे यहाँ पे एक बर्ड है इसको हम कहेंगे टर्मिनल बर्ड ठीक है और या तो एक्सेस ऑफ लीफ पे पाया गया अगर मान लो जहां पे लीफ आ रहा है वहां पे अगर कोई बर्ड है यहां पे बर्ड है यहां पे कोई बर्ड है ठीक है तो इसको हम कहते हैं एक्जिलरी बर्ड इसको हम कहते हैं एक्जिलरी बर्ड तो एक्सेस ऑफ लीफ पे कोई बर्ड है तो दैट इज एक्री बर्ड अगर एंड पे कोई बर्ड है तो दैट इज टर्मिनल बर्ड तो स्टेम इज जनरली स्टेम इज जनरली ग्रीन वेन यंग एंड लेटर ऑन बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन हमने एनाटॉमी में देखा था ना कैसे वुड का फॉर्मेशन होता था कॉर्क कैसे बनता था हमने देखा था राइट ठीक फंक्शन ऑफ स्प्रेड स्टेम का क्या काम है स्टेम का मेन फंक्शन होता है ब्रांचेस बियर करेगा जिससे फ्लावर्स फ्रूट और लीफ उस पर बॉर्न होगा राइट चल दूसरा काम है स्टोरेज ऑफ फूड तीसरा काम है सपोर्ट चौथा काम है प्रोटेक्शन एंड आखिरी काम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सबका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे ठीक है सबका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ठीक है चलो एक तो एक करके मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म देखते हैं ठीक है पहला अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन साथ साथ लिखते जाओ मेरे पोटैटो में क्या हुआ पोटैटो ट्यूबर याद है पोटैटो का ट्यूबर जिंजर राइजोम याद है टर्मरिक टर्मरिक में कैसा होता था टर्मरिक का तो इसी तरह जिंजर और टर्मिनिक दोनों का राइजोम होता था ना जिंजर और टर्मरीक का दोनों का राइजोम होता था ना इसका तो होगा जमीकन और कोलोकेशिया का तो इन uh, दोनों का कॉर्म होगा ठीक है आई थिंक जिंजर और टर्मरिक दोनों राइजोम में होता था ना बच्चों और टर्मरिक दोनों राइजोम होता था ना बच्चे हाँ ना हाँ ना जिंजर और टर्मरिक दोनों राइजोम है ना हाँ दोनों राइजों में ठीक है और जमीकन और कोलोकेशिया दोनों कॉर्म हो गया दोनों कॉर्म हो गया ठीक है अच्छा ये हुआ तुम्हारा स्टोरेज ऑफ फूड ये सारे हो गए स्टोरेज ऑफ फूड हमने देखा था तुम्हारे ये सारे के सारे स्टोरेज ऑफ फूड अनियन का बल्ब वगैरह बात करेंगे वो फ्लैशी लीफ है याद रखना वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस अनियन करता है वाया बल्ब जो स्टेम है बट अगर स्टोरेज ऑफ फूड की बात करेंगे अनियन में तो वो फ्लैशी लीफ होगा इसमें कंफ्यूज करते हैं लोग ठीक है अच्छा दे ऑल्सो आर ऑर्गेन ऑफ पेनिट्रेशन टू टाइड ओवर कंडीशन ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ ग्रोथ है ना अगर अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ ग्रोथ है तो यह रिजर्व फूड की तरह काम करेगा और उसमें सर्वाइव करेगा ठीक है स्टेम टेंड्रिल्स इस पर क्वेश्चन आया हुआ था ठीक है स्टेम टेंड्रिल्स कहां कहां स्टेम टेंड्रिल्स मिलेगा याद रखो विच डेवलप फ्रॉम ऑगजिलरी बर्ड अगर कुछ ऑक्जिलरी बर्ड से निकल रहा है तो स्टेम टेंड्रिल है अगर लीफ से निकल रहा है तो लीफ टेंडिल है इस पर क्वेश्चन आता है मुझसे ये गलत हो गया था ठीक है तो अगर ऑक्सिलरी बर्ड से निकल रहा है तो वो स्टेम टेंडिल होगा ठीक है और अगर लीफ से निकल रहा है तो वो लीफ टेंडिल होता है इसमें गड़बड़ मत करना ठीक है ऑक्सिलरी बर्ड से निकल रहा है तो स्टेम टेंडिल होगा अगर लीफ से निकल रहा है तो लीफ टेंडिल होगा क्या क्या है भाई तो दीज आर स्पलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइम क्या क्या गोड में आ गया तुम्हारा कुकुम्बर पंपकिन एंड वाटर मेलन एंड ग्रेप वाइन मैंने ये इसको लीफ टेंडिल में कर दिया था ग्रेप वाइन को ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है देखना बाबू ये स्टेम टेंडिल का पार्ट होगा यहां पे है ना ऑक्सिलरी बर्ड से अगर ऑर्जिनेट कर रहा है तो ये स्टेम टेंडिल है अगर ये ऑक्सिलरी बर्ड से ऑरिजिनेट कर रहा है तो ये स्टेम ट्रेंडिल है ठीक है राइट right. अच्छा राइट right? ठीक उसके बाद ये थॉर्न्स बियर करेंगे उसके बाद अगर मान लो ऑक्सिलरी बर्ड में थॉर्न्स आ गया जो हमको दिखता है बॉग्यूनविला के केस में सिट्रस और बॉग्युनविला के केस में इसको हम स्टेम स्टेमथॉन्स भी कहते हैं इसको हम स्टेम स्टेमथॉन्स भी कहते हैं अगेन ये प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करेगा है ना ऑक्जिली बर्ड्स अगर थॉन्स निकल रहा है तो दैट विल हेल्प फॉर प्रोटेक्शन ठीक है अच्छा अगर थिक और फ्रेशी है फिलोक्लेड अगर बन रहा है फिलोक्लेड बन रहा है फॉर फोटोसिंथेसिस तो इसको हम ओपुनशिया कहते हैं ओपुंशिया ये फिलोक्लेट का एग्जांपल है अगर थिक और फ्लैशी है अगर थिक और फ्लैशी होता है स्टेम एंड लीव्स आर रिड्यूसिंग टू स्पाइन दैट कैन बी सीन इन केस ऑफ ओपुंशिया वो फिलोक्लेट का एग्जाम्पल है और अगर फ्लैशी है तो इसको हम यूफोर्बिया कह देंगे ठीक है अपुंशिया में तुम्हारा क्लोरोफिल भी मिलेगा अगेन वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ठीक है अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सच प्लांट सच एज ग्रास एन स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू एरियाज वेन द ओल्डर पार्ट एंड न्यू प्लांट्स आर फॉर्म ये तुम्हारा रनर हो गया ठीक है अगेन यहां पर एनसीआर टी में थोड़ा गड़बड़ कर दिया है ना अंडरग्राउंड में तुम्हारा रनर डाल दिया है सब एरियल में तुम्हारा आ, स्टोलन डाल दिया तो ये जो स्ट्रॉबेरी होता है ये वाइल्ड स्ट्रॉबेरी होता है ठीक है ऐसे स्ट्रॉबेरी जो होता है वो स्टोलन का पार्ट आता है तो थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है ना मोरफॉलोजी में कुछ और बोलता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट में कुछ और बोलता है खास करके बनाना के केस में और इसके तो ग्रोथ याद रखिएगा अगर बनाना के केस में ग्रोथ पे पूछे तो दैट विल बी सकर ठीक है मॉडिफाइड स्टेम की बात करें सक्कर अगर वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कैसे करता है तो उसके केस में राइजोम आ जाता है ठीक है सेम गोज फॉर स्ट्रॉबेरी अगर तुम्हारा वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है तो रनर है ऐसे नॉर्मल स्ट्रॉबेरी तुम्हारा स्टोलन है ठीक है दूसरा इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैसमिन स्लेंडर लेट्रल ब्रांच अराइजेज एट द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियरली फॉर समाइम इट आग डाउनवर्स ये तुम्हारा स्टोलन हो गया यह तुम्हारा स्टोलॉन हो गया तो यह तुम्हारा रनर है जो ये पहले एक्सप्लेन किया दैट इज रनर यह जो एक्सप्लेन किया दैट इज स्टोलॉन ये जो एक्सप्लेन किया दैट इज स्टोलॉन ठीक है और नीचे वाला जो ये किया है पिस्टिया और इकोर्निया में इसको किया है तुम्हारा ऑफसेट है ना स्टोलॉन रनर और ऑफसेट ठीक है ये तुम्हारा ऑफसेट हो गया वाटर वाला जो है ये ऑफसेट है ठीक है अब यहां पे देखो इन बनाना पाइन एप्पल एंड क्राइजेंथम। क्या है लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम ग्रो हरिजोनली तुम्हारा शक्कर हो गया यह तुम्हारा शक्कर हो गया बट अगेन लिख लो बनाना रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवलीफ्यूज मत कीजिएगा बनाना रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय राइजोम बनाना रिप्रोड्यूस इसमें गड़बड़ मत करना वेजिटेटिवली बाय राइजोम और जो ग्रोथ हो रहा है वो सगर के थ्रू हो रहा है ठीक है इसमें कंफ्यूज मत करना इस पर पॉइंट इसको प्रॉपरली मार्क कर लो इसको पॉइंट प्रॉपरली मार्क कर लीजिए ठीक है चलिए अगला बात करते हैं तो ये देख लीजिए तो जिंजर हो गया ये राइजोम हो गया तुम्हारा है ना हमने देखा राइजोम हो गया ठीक है जमीकंद हो गया ये तुम्हारा कॉर्म हो गया ये ट्यूबर हो गया ये तुम्हारा ऑक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई क्या ना, stem tendril है मतलब के लिए हेल्प करेगा ठीक है अराइजिंग फॉर नियर ये देखो तुम्हारा रनर हो गया ना देखो एक ही जगह से निकल रहा है बेस से बेस से अगर निकल रहा है ये सारा हो गया तो रनर हो गया है ना तो रनर तुम्हारा कैन बी सीन इन केस ऑफिस सोचो रनर कैन भी सीन इन केस ऑफ ऑक्जेलो ठीक है ये बेस्ट चार है ठीक है और ये तुम्हारा स्टेम जो लीजिए सर मॉडिफिकेशन स्टाइन स्पाइन ये तुम्हारा थॉन जो है ये तुमको बॉगिन विला एंड सिट्रस में मिल जाएगा तुमको थॉन जो है ये बॉगिन विला और सिट्रस में तुमको मिल जाएगा ठीक है ये तुम्हारा हो गया स्टेम मॉडिफिकेशन ये तुम्हारा हो गया स्टेम मॉडिफिकेशन अगेन इसमें जो पूरा रामायण कथा है ना वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरा जो रामकथा एकदम पूरा ज्ञान पूर्वक इतना कुछ पढ़ते हो वह सब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है राइट चलिए अगला आते हैं लीफ पे देखो कितना आसानी से याद हो जाएगा इतना तक तो, तो तुमको मुझे लगता है रूट और स्टेम इतना एग्जाम्पल तो सबको याद होगा और इसी में आप लोग पैनिक कर जाते हैं क्या होता है अब वही ग्रेव वाइन वाला क्वेश्चन जैसे पूछ लिया या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला जैसे क्वेश्चन पूछा इक्का दुक्का क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं और हमको लगता है वो यार ये चैप्टर तो आता ही नहीं था इसीलिए एनसीआर स्पेसिफिकली बार बार पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अगला अगला हम बात करते हैं लीव के लिए तो लीव तुम्हारा क्या है लेटरल स्ट्रक्चर है जिसको हम लीफ कहते हैं ये मान लो कि यहाँ पे ये मेरा स्टेम है स्टेम से ऐसे एक निकला नोड इसको हम पीटीओल कह दिए पी से ऐसे ये प्रॉपर वाला निकला इसको हम लेमिना कह दिए यहाँ पे निकला रिब यहाँ पे निकला वेंस और ये तुम्हारा हो गया लीफ एपिक्स ठीक है तो क्या क्या है भाई तो जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम लीफ बेस कह दिए ठीक है स्टॉक जिससे लीफ अटैच है उसको हम पीटी कह दिए ग्रीन ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ है कॉल्ड लैमिना और द लीफ इट इज अटैच टू द लीफ बेस एकदम नीचे वाला पार्ट जो है उसको हम लीफ बेस कहते हैं ठीक है एंड मे बियर टू लेटरल स्पॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिपियो अगर लीफ के नीचे लेटरल लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर है तो इसको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं स्टिप्यूल्स यू कैन सी इन केस ऑफ चाइना रोज चाइना रोज का अगर प्लांट देखोगे ना तो उसमें तुमको बेस पे पेप्यूल दिख जाएगा तो ये जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द लीफ बेस इज कॉल्ड स्टिप्यूल्स ठीक है लीफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट बेस इसको हम स्टिप्यूल कहते हैं तो ठीक तो -like -like है? -like है, है ये स्टिप्यूल हो गया ठीक है अच्छा मोनोकॉड्स में लीफ बेस जो है एक शीत बना लेता है देखे देखिये ना ओर अगर मान लो ये स्टेम है तो स्टेम के चारों ओर एक शीत कवरिंग कर लेता है मोनोकॉर्ड में खास करके मेज में देखोगे तो पूरा ये शीत बन जाता है मतलब पीटीओल जो है वो पूरा फैल के एकदम ऐसे प्रॉपरली शीत बना के कवर कर लेता है।, है ना और उसके बाद वो ऐसे कर्लिंग करता है अगर टजिर रहा तो बुलिफॉर्म लीफ में पानी है नहीं रहा तो ऐसे रिंकल कर जाता है ठीक है तो इट कवर्स अ शीत विच पार्शली और होल्ली कवर्स द स्टेम्स ठीक है लेग्यूमिनस प्लांट में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस जो है वो स्वेल कर जाएगा और इसको हम लोग पलविनस कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस जो है आपका वो स्वेल कर जाएगा और इसको हम लोग पलविनस कहते हैं ठीक है द पीटीओल का, का काम क्या होता है होल्ड द लीफ ब्लेड टू लाइफ ऐसे इसको वर्टिकल पोजिशन में तुम्हारा पीटीओल रखता है ठीक Lamina और लीफ ब्लेड जो है वो एक्सपेंडेड पार्ट है जहां पे तुमको वेन और वेनलेट्स मिलेंगे छोटा छोटा जो है वो वेनलेट्स है बड़ा बड़ा जो है वो वेन है ठीक है बीच वाला जो वेन है उसको हम मिड्रिप कहते हैं और उसके लेटरल वेनलेट्स अराइज करते हैं बीच वाला जो वेन है उसको हम मिड्रिप कहते हैं और उसके लेटरल तुमको वेनलेट्स मिल जाएंगे ठीक वेनलेट्स का काम होता है बताया उसमें वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स फूड वगैरह सब कुछ करेगा ठीक है तो वेन वेन्स का, का काम क्या होगा चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स है ना इनका ट्रांसपोर्ट ये करेगा ठीक है अच्छा तो हम लोगों ने देखा पीटीओल हमने देखा स्टिप्यूल्स हमने देखा, देखा कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है एग्जिलरी बर्ड से जहाँ पे नोड है वहाँ पे ओरिजिनेट कर रहा है लीफ बेस देखा लेमिना देखा और मिड्रिव और तुम्हारा मिड्रिव के साथ वेंस और वेंस के साथ हमने देखा ठीक है इसमें एक याद करने वाला चीज जो है पल्विनस पल्विनस तुम्हारा कहां पे था तुम्हारा प्लांट में अगर लीफ वे स्वेल कर जाता है तो उसको हम कहते हैं इससे ज्यादा आपको नहीं जानना अगला बात करते हैं लीफ की वेनेशन या अरेंजमेंट ऑफ तुम्हारा वेन्स कैसे है तो उसको हम वेनेशन कहते हैं दो तरह का अरेंजमेंट आपको पढ़ना है एक तुम्हारा होता है एक तुम्हारा होता है रेटिकुलेट और दूसरा होता है पैरल अगर नेटवर्क लाइक मतलब अगर मान लो ये तुम्हारा मिडरिव है ये तुम्हारा मिडरिव है और मिडरिव से लेटरल ब्रांचेस ऐसे रेटिकुलर नेटवर्क या वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो इस तरह के वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं इस तरह के वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन कैन बी सीन इन केसेस ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीप मतलब ऊपर से ज्यादा हरा नीचे से कम हरा या डायकॉट लीफ ठीक है तो रेटिकुलेट वेनेशन कैन बी सीन इन केस ऑफ डॉर्सी वेंट्रल और डायकॉट लीफ ठीक है दूसरा वाला जो केस आपको दिख रहा है ये होता है तुम्हारा पैरल वेनेशन ये तुमको केला के पेड़ वगैरह में तुमको दिख जाएगा या मेज के पेड़ में दिख जाएगा क्या हुआ के पैरल ही वेन्स तुमको दिख रहे हैं मिड्रिव के पैरल ही तुमको वेन्स दिख रहे हैं मिडरिव के पैरल ही तुमको दिख रहे हैं तो इस तरह के वेनेशन को हम कहते हैं पैरल वेनेशन तो तुम्हारा रेटिकुलेट है ये तुम्हारा रेटिकुलेट है और दूसरा वाला जो वेनेशन है इसको हम कहते हैं पैरल वेनेशन पैरल वेनेशन क्या होगा मिडरिव के पैरल ही चल रहा है तो इस तरह के वेनेशन को हम कहते हैं पैरल कैन बी सीन इन केसेस ऑफ तुमको मोनोकॉट्स में दिख जाएगा या लीफ में आपको ये दिख जाएगा ठीक है तो आपको बस इतना जानना है रेटिकुलेट और पैरलर आपको बस इतना जानना है रेटिकुलेट और पैरल ठीक है आपको बस इतना जानना है रेटिकुलेट वेनेशन और पैरल वे रेटिकुलेट यह हो गया Parallel ये हो गया ठीक है रेटिकुलेट वेनेशन में क्या हुआ कि तुम्हारा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना तो रेटिकुलेट अगर सीधा चला गया तो पैरेलल ठीक पैरेलल वेनेशन तुमको मोनोकॉर्ड में दिखेगा रेटिकुलेट वेनेशन तुमको डाइकॉड्स में दिखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आते हैं टाइप्स ऑफ लीफ्स दो तरह का लीव्स आपको मिलेगा या तो सिंपल लीफ है या तो कंपाउंड लीफ है या तो कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों बेटा ऑलरेडी क्विज आपके ले रहे हैं ना कोमल आपका क्विज वहाँ पे हो रहा है ना क्विज आपका कहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ना क्विज आपका अन अकेडमी आप पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं राइट तो वहां पे आपका क्विज चल रहा है चलिए ग्रेट आगे बढ़ते हैं अगला बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लीव्स की बात तो या तो सिंपल लीफ होगा या तो कंपाउंड लीफ होगा कैसे टाइप्स ऑफ लीफ काम करता है हम पर बात करते हैं ठीक अगर कोई लीफ अगर कोई लीफ जो है उसमें क्या हो रहा है कि नॉर्मल चीज है अगर मान लो कि ये तुम्हारा मिडरीव है ठीक है ये तुम्हारा लेमिन है ठीक है अब इस तरह का लीफ हो गया ये सिंपल लीफ है अगर मान लो कोई दूसरा लीफ है वो किसी इस तरह का है ऐसा शेप का है ठीक है तो ये भी तुम्हारा सिंपल लीफ है है ना जब तक जब तक जो इंसीजन है ये मिड्रिप तक नहीं पहुंचेगा ये लीफ सिंपल ही रहेगा अगर इसका इंसीजन मिड्रिप तक पहुंचने लगा तो ये तुम्हारा कंपाउंड लीफ हो जाता है हमेशा याद रखिए जब तक जो इंसीजन है वो मिड्रिप तक नहीं पहुंचेगा तो वो सिंपल लीफ रहेगा नहीं तो कंपाउंड लीफ ठीक है चलिए तो देखिए अ लीफ इज सेट टू बी सिंपल वेन अरे अ लीफ इज सेट टू बी सिंपल वेन कब कब वैन द लैमिना इंसीजन डू नॉट मीट दिड्रिप अगर जो लेमिना का इंसीजन है या जो छेद है वो मिड्रिप तक टच नहीं करता तो सिंपल लीफ है है ना अगर जो लेमिना है लेमिना मिड्रिप तक नहीं कटता तो वो सिंपल लीफ है नहीं तो अगर मिड्रिप तक चला गया तो वो कंपाउंड लीफ हो जाएगा याद रखिएगा ये पॉइंट हमेशा ठीक है तो वेन द इसीजन ऑफ द लैमिना रीच ऑफ द मिडरेव ब्रेकिंग इन टू ए नंबर ऑफ लीफलेट्स तो इसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं इसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं ठीक है बड़ इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द पीटीओल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ याद रखिएगा बड़ ऑक्सिलरी बड़ दोनों के एक्सिल पे प्रेजेंट होगा चाहे वो सिंपल लीफ हो चाहे वो कंपाउंड लीफ हो पीटीओल के पीटीओल के एक्सिल पे ये नहीं कि लीफलेट के एक्सेस पे भी तुमको मिलेगा लीफलेट के एक्सेस पे नहीं मिलेगा ठीक है बट नॉट ऑन द एक्सेस ऑफ लीफलेट ठीक है लीफलेट के एक्सेस पे तुमको नहीं मिलेगा अगला कंपाउंड लीफ आपका दो तरह का हो सकता है एक तुम्हारा पिनेटली कंपाउंड लीफ और एक तुम्हारा पामेटली कंपाउंड लीफ अगर अगर मान लो कि यह मेरा एक कंपाउंड लीफ है इस कंपाउंड लीफ पे यहां पे मेरा एक छोटू लिफलेट 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 इस तरह करके अगर लीफलेट्स है ऐसे तो यह मेरा पिनेटली कंपाउंड लिफ है ठीक है इसका जो मिड्रेव है इसको हम कहते हैं राचिस इसका जो मिड्रेव है इसको हम कहते हैं रैचिस ये तुम्हारा हो जाएगा लीफलेट और ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा पीटीओल ठीक है और इस पीटीओल के यहां पे यहां पे ऑग्जिलरी बर्ड होगा इस पीटीओल के यहां पर बर्ड होगा इस तरह के लीफ को हम पिनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं इस तरह के लीफ को हम पिनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि यहां एक ऐसे निकल गया और यहाँ से एक लीफ ऐसे निकला एक लीफ ऐसे निकला एक लीफ ऐसे निकला एक नीफ ऐसे निकला और एक लीफ ऐसे निकला ये हाथ की तरह पाम की तरह अगर लीफ आ गया है ना एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे पाम की तरह अगर लीफ आ गया तो इसको हम कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ इस तरह के लीफ को हम कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ इसमें भी दुनिया भर का वैरायटी होता है यूनिकॉस्टेड वगैरह वगैरह दुनिया भर का वैरायटी होता है जो आपको अब नहीं पढ़ना ठीक है एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं पिनेटली, पिनेटली का एग्जाम्पल तुम्हारा नीम आ जाएगा गुलमोहर आ जाएगा है ना ये सब पिनेटली का है का एग्जाम्पल आपका सिल्क कॉटन आएगा ठीक है अब देखो ये पीटीओल है ठीक है यहां पे तुम्हारा ऑक्सिलरी बर्ड होगा बट यहां पे तुमको कुछ नहीं मिलेगा ठीक है यहाँ पे भी सेम यहाँ पे तुम्हारा स्टिप्यूल्स दिख रहा यहां यह है यहाँ ऑक्सिलरी बर्ड दिख जाएगा और ये तुम्हारा राचिस है मिड रिव को हम यहाँ वाले रीजन को हम राचिस कहते हैं और इसमें लीफलेट आता है ठीक है तो क्या हो गया द पामेटली कंपाउंड लीव द लीफलेट्स आर अटैच टू अ कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पीट्यूल यहाँ पे टिप ऑफ पीट्यूल से यहाँ से पाम लाइक लीफ निकला इसलिए इसको हम पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं इसलिए इसको हम पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं ठीक है तो पिनेटली जाना है तुमको पानेटली जाना है टाइप्स ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीफ आपको नहीं पढ़ना नॉट इंपॉर्टेंट अगेन आई एम रिपीटिंग टाइप्स ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीव आपको नहीं पढ़ना चलिए अगेन आते हैं फिलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन स्टेम इज कॉल्ड फिलोटैक्सी ठीक है अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फिलोटैक्सी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ब्रांच इज कॉल्ड फिलोटैक्सी तो तीन तरह का फिलोटैक्सी आपको पढ़ना है सेम एग्जाम्पल जो एनसीआर में दिए हैं वही एग्जाम्पल आपको याद रखना है मतलब एक, एक नीचे एक नीचे एक नीचे है ना ये तुम्हारा ऑल्टरनेट हो जाएगा देखो एक ऊपर एक नीचे 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 एक एक करके अगर आ रहा है तो उसका तुमको हम कहते हैं का कहा है ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल आ गया चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर दिस इज इंपॉर्टेंट तीनों एग्जाम्पल्स आपको याद रखने में चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर का एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा ऑल्टरनेट चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर का जो हो गया एग्जाम्पल दैट इज हाँ ठीक दूसरा आ जाएगा ऑपोजिट ऑपोजिट में क्या हो गया एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर तो एक ही एक्सेस पे देखो इधर 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 तो तुम्हारा ये हो गया ऑपोजिट ऑपोजिट का एग्जाम्पल आ जाता है तुम्हारा ऑपोजिट का एग्जाम्पल आ जाता है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा ऑपोजिट का एग्जाम्पल आ जाता है तुम्हारा कैलोट्रोपिस एंड गुआवा क्या हो जाएगा एक ही एक्सेस पे बहुत सारा लीफ आ जाएगा बहुत सारा बहुत सारा इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी ठीक है तो एक ही एक्सेस पे देखो एक दो तीन चार पांच छह सात लीफ है ठीक है इसको हम कहते हैं वर्ल्ड और इसको हम कहते हैं एल्स्टोनिया ठीक है तो, तो टू लीव्स राइज एट द नोड एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ल्ड इट इज कॉल्ड

बेटा इतना नहीं पढ़ना आपको टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेट अगेन उतना डिटेल में आपको नहीं जाना फिर तो एक जन्म लगेगा इस सब चैप्टर को पढ़ने में ठीक है प्लीज डू नॉट गो इन टू द डिटेल जितना मैं लिखवा रहा हूं आई एम रिक्वेस्टिंग यू इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा प्लांट फैमिलीज में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे एक दो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको ज्यादा बताना है अपार्ट फ्रॉम इट प्लांट फैमिलीज में भी कुछ ज्यादा नहीं आएगा ठीक है जितना बता रहे उतना करो ठीक है नहीं आएगा सवाल उसके बाहर अगला आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स क्या क्या मॉडिफिकेशन है लीव्स का पहला मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इन टू टेंड्रिल्स टेंड्रिल्स का मोडिफिकेशन ठीक है लीव इन ठीक है spines आ जाएगा तुम्हारा कैक्टस में कैक्टस याड्यूस इन टू स्पाइन्स टेंड्रिल्स तुम्हारा आ गया पी में तो याद रखिएगा लीव टेंड्रिल जो है तुम्हारा एग्जाम्पल इसका पी में आ जाता है कैक्टस में तुम्हारा लीवस आर रिड्यूस इन टू स्पाइन्स ठीक है और स्टोरेज के लिए फ्लैशी लीफ होता है दैट कैन बी सीन इन केस ऑफ अनियन फ्लैशी लीव कैन बी सीन इन केस ऑफ अनियन दैट इज फॉर स्टोरेज दैट इज फॉर स्टोरेज ठीक है तो फ्लैशी लीव ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड फ्लैशी लीव ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड ठीक है अच्छा अकेशिया में अकेशिया में यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना अकेशिया में क्या होता है अकेशिया में फिलोड होता है इसमें जो होता है ये थिक और फ्लैशी हो जाता है ठीक है अकेशिया में इसको हम फिलोड कहते हैं इसमें क्या होता है कि पीटीओल जो है इसमें जो पीटीओल होता है वो थिक और फ्लैशी हो जाएगा और वो कराएगा सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट हमने देखा था वेनस ट्रैप निथस या पिचर प्लांट और वेनस फ्लाइटर इसको हम कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं इनको हम लोग कार्नी वोरस प्लांट्स भी कहते हैं ठीक है इनको हम लोग कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं ठीक है हां जी इंस्टीट्यूट में बहुत सारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रहे हैं दैट इज द होल पॉइंट है तभी तो आपका सिलेक्शन नहीं होता ठीक है इसलिए प्लीज ध्यान से कीजिए ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो ठीक है जितना मैं बता रहा हूं बहुत टैक्टफुली आपको बता रहा हूं टैक्टफुली बता रहा हूं ये आपको आएगा ये आएगा ही आएगा और इतने ही आएंगे इससे बाहर तुम्हारा क्वेश्चन तुम करके देखो ना तुम पिछले पांच साल छह साल का सवाल उठा के देखना अगर तुमको दिख जाए सवाल इसके बाहर तो ठीक है बहुत पहले आता था दो हजार के टाइम में देखो एक्चुअली क्या होता है समझो एक चीज समझो क्यों इंस्टीट्यूट वाले इतना ज़्यादा पढ़ाते थे पहले पुराना ढर्रे पे चलते हैं पुराने टाइम पे क्या होता था स्टेट पीएम होते थे जैसे बिहार स्टेट पीएम हो गया बाकी सारे स्टेट पी हो जाते थे इन स्टेट पी में अनाप शनाप क्वेश्चन पूछते थे, थे कहीं कहीं से क्वेश्चन आया था तो आपको प्रिपेयर होना पड़ता था हमें भी पढ़ाया गया हमें भी बहुत कुछ पढ़ाया गया था ये सब ठीक है अब जैसे मैं किताब भी उठा लूँगा तो इसमें मतलब पचास तरह का लीफ मॉडिफिकेशन होगा फिर तुम्हारा साइमोज में ही दुनिया भर का मतलब रेसीमोज में आ जाता है स्पाइक रे फ्लोरेट का तुम्हारा रेसिम आ गया तुम्हारा डिस्फ्लोरेट आ गया रे फ्लोरेट आ गया हेड ऑफ कैपिटिल को नहीं पढ़ना होता ठीक है और अल्टीमेटली क्या होता है कि हम इतना कुछ याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं और जो हमको कोर एग्जाम्पल याद रखने वाला होता है वो भी एग्जाम्पल आपको याद नहीं रहता राइट हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की ठीक है इनफ्लोरेसेंस इनफ्लोरेसेंस अगर मान लो बहुत सारा फ्लावर एक जगह शूट वेयर इन शूट या एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम ध्यान से पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइन है क्या है एपिकल मेरिस्टम जो था शूट का वो फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज कर गया एपिकल मेरिस्टम जो था वो फ्लोरल मेरिस्टम चेंज कर गया इंटर नोड इलांगेट नहीं किया इंटर नोड इलांगेट नहीं किया एंड एक्सिस शूट भी कहते हैं इसको हम कंडेंस्ड शूट भी कहते हैं इसपे क्वेश्चन आया हुआ है इसको हम कंडेंस्ड शूट भी कहते हैं ठीक है द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस ठीक है अब ये इसका जो एपेक्स है अलग 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 एपेक्स है उस अलग अलग, अलग अलग फ्लोरल अपेंडेजेस होंगे और उन फ्लोरल अपेंडेजेस पे फ्लोरल वॉल्स होंगे उन फ्लोरल अपेंडेज पे लिटरली एट सक्सेसिव नोट्स इंस्टेड ऑफ लीव्स तो नोट्स पे क्या मिल रहा है नोट्स पे आपको यहां पे फ्लोरल अपेंडेजेस मिल रहा है इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ लीव्स ठीक है अब अगर एक शूट टिप ट्रांसफॉर्म करता है फ्लावर में तो इट इज ऑलवेज सोलिटरी अकेला रहेगा ठीक है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन फ्लोरेशन अभी फ्लावर के बारे में पूरा देखेंगे तो अगर फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पे अगर अरेंजमेंट की बात करें तो उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं आपको दो तरह का ही इन्फ्लोरेसेंस देखना है टाइप्स ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस आपको नहीं पढ़ना नहीं आता आपके एग्जाम में अगेन आई एम यू नहीं आएगा आपके एग्जाम में ठीक है टाइप्स ऑफ रेसिमोस जो स्पाइक पढ़ते थे रेसिम पढ़ते थे कैक्टिन पढ़ते थे अम्बेल पढ़ते थे कॉरिम पढ़ते थे मैं चाहता तो मैं सब कुछ आपको लिखवा देता बट अगेन ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा ठीक है बहुत सालों से नहीं आ रहा तो क्यों हम अपने दिमाग का कैपेसिटी यूज करेंगे राइट ठीक है तो क्या है पहला आ गया तुम्हारा रैसीमोस इन्फ्लोरेशन रेसिमोस में क्या होता है बस इतना याद रखिए कि यहां पे फ्लावर्स आर बॉर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन मतलब यहाँ टक 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 टक, टक इसको हम कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। फ्लावर्स आर बॉर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन तो इसको हम रेसिम या रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं

और ये वाला पॉइंट दूसरा यही दोनों पॉइंट पे क्वेश्चन आया है जब भी आया है ठीक है नहीं कभी टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोएस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया याद रखिएगा इसको ठीक है ठीक है हां जी तो टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोए पे यह सब नहीं आया चलिए अगला बढ़ते हैं। अब आते हैं फ्लावर्स पे तो तुम्हारा ये देख लो ये तुम्हारा रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लुएंस रेसिमोस इन्फ्लुएंस का तुम्हारा एग्जाम्पल आ जाएगा कोई भी ले लो ना जितना भी रेसिमोस वाला है तुम्हारा मेरीगोल्ड आ गया सनफ्लावर हो गया सब तुम्हारा सारे रेसिमोस इंफ्लुएंस का एग्जाम्पल हो जाएंगे चलिए अगला आते हैं फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर जो है तुम्हारा वो दो तरह का हो सकता है ठीक है एक तुम्हारा बाय सेक्सुअल और एक तुम्हारा मोनोसेक्सुअल ठीक है तो चलो देखो तो क्या है फ्लावर तुम्हारा रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है अगर हम फ्लावर का टेक्निकल स्ट्रक्चर बनाए तो अगर हम बेस की बात करें ये रिसेप्टर या थैलेमस हो जाएगा इसके नीचे जो स्टॉक है इस स्टॉक को हम कहते हैं पेडिसल स्टॉक को हम कहते हैं पेडिसल ये जो रिसेप्टर है इसको हम कहते हैं ठीक है थैलेमस पे ऐसे एक स्ट्रक्चर निकलता है ये तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल हो गया ठीक है जिसको हम गाइनोशियम कहेंगे गाइनोशियम के अंदर तीन पार्ट होगा ओवरी स्टिग्मा एंड स्टाइल तो ये तुम्हारा ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं जो रिसेप्टर है इसको हम कहते हैं स्टिग्मा ये बीच वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं स्टाइल और ये जो अंदर वाला रीजन है इसको हम कहते हैं ओवरी राइट right? ओवरी के अंदर तुम्हारा ओव्यूल्स है और इन ओवियल्स का हम प्लेसेंटेशन देखेंगे ठीक है अच्छा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल है जो सबसे अंदर की तरफ रहता है ठीक है अच्छा इसके साइड में इसके अलग यहाँ पे आ जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव वॉल मेल रिप्रोडक्टिव वॉल जिसको हम एंड्रोशियम कहेंगे ठीक है मेल रिप्रोडक्टिव वॉल जिसको हम एंड्रोशियम कहेंगे एंड्रोशियम में हमारा आ जाएगा एंथर ठीक है ये नीचे वाला ये वजह आएगा इसको हम कहेंगे फिलामेंट और उसके साथ जहां से ये जुड़ा हुआ एंथर और फिलामेंट यहां पे आ जाएगा तुम्हारा कनेक्टिव ठीक है इसके साथ तुम्हारा फिर आ जाएगा एक यहां पे आ जाएगा एक नीचे वाला वॉल जो हरा वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कैलिक्स इसको हम कहेंगे कैलिक्स या सेपल ठीक है और, और उसके बाद उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा ये वाला रीजन ये जो पेटल वाला पार्ट है या इसको हम कोरोला कहेंगे ठीक है ये पेटल वाला पार्ट है इसको हम कोरोला कहेंगे ठीक है तो चार फ्लोरल स्ट्रक्चर होता है दो एक्सेसरी है दो रिप्रोडक्टिव है एक्सेसरी में तुम्हारा क्या आ गया कोरोला और सेपल्स और रिप्रोडक्टिव में तुम्हारा क्या आ गया रिप्रोडक्टिव में तुम्हारा आ गया स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं तो पहला चीज पहला चीज क्या है तो अगर एक टिपिकल फ्लावर हैज फोर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स मैंने बताया आपको फोर वॉल्स होते हैं ठीक है बेस पे जहां पे अरेंज है उसको हम थैलेमस या रिसेप्टिकल कहेंगे बेस जहां पे अरेंज है उसको हम थैलेमस या रिसेप्टिकल कहेंगे दीज आर कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ठीक है कैलेक्स और कोरोला जो है तुम्हारा ये एक्सेसरी ऑर्गेन है है ना बाहर वाला ऑर्गेन है और तुम्हारा एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है तुम्हारा वो रिप्रोडक्टिव है एंड्रोशियम मेल पार्ट हो गया और गाइनोशियम फीमेल पार्ट हो गया ठीक है इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट और इसको हम पेरियंथ कहते हैं अगर कैलेक्स और कोरोला फ्यूज है तो उसको हम कहते हैं पेरियंथ विच कैन बी सीन इन केस ऑफ लिली तो पेरियंथ का एग्जाम्पल आ गया लिली अगेन इस पे क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है इफ कैलिक्स एंड कोरोला आर फ्यूज टूगेदर एंड दे आर नॉट तो डिस्टिंग हम पेरियंथ कहते हैं ठीक है अगर दोनों एंड्रोशियम और गाइनेशियम है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है जैसे चाइना रोज आ गया तुम्हारा और अगर सिर्फ स्टेमिन या सिर्फ कार्पेल है तो ये तुम्हारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाता है दैट इज कन सीन इन केस ऑफ पपाया है ना फ्लावर कैन बी सीन इन केस ऑफ चैनल फ्लावर कैन बी सीन इन केस ऑफ पपाया ठीक ठीक आगे फ्लावर का कटाई मतलब अगर फ्लावर को हम बीस से तोड़ें तो कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे या फ्लोरल एपेंडे या कितने पार्ट में फ्लावर का डिसेक्शन हो सकता है इसको हम कहते हैं सिमेट्री और फ्लावर सिमेट्री मतलब सपोज मान लो एक फूल है फूल को अगर मान लो हम सब तरफ से काट के बराबर इक्वल हाफ में आ जाए तो हम इसको कहते हैं एक्टिनो मॉर्फिक तो ठीक है तो अलग अलग सिमेट्री um होता है तीन सिमेट्री हमको पढ़ना है पहला होता है रेडियल सिमेट्री रेडियल मतलब कहीं से भी काटो है ना रेडियल सिमेट्री सिमेट्री मतलब कहीं से भी काटो इस पर क्वेश्चन आता है बच्चों ठीक है रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनो Actinom मॉर्फिक कहीं से भी काटो फ्लावर दो इक्वल हाफ में आएगा ठीक है कहीं से भी काटो फ्लावर दो इक्वल हाफ में आएगा तो इसको हम कहते हैं एक्टिनो मॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री ठीक है अगर दो पार्ट में कहीं बीच से एक जगह से काटोगे तो दो इक्वल हाफ आएगा जैसे इसको हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री बाय लेट्रल सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है ट्रल सिमेट्री में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जाइगोमॉर्फिक राइट जाइगो मॉर्फिक फ्लावर ये तुम्हारा आ जाता है बायोलेट्रल सिमेट्री सॉरी इसको मैं ऐसे परसेंटेज से है ना फिफ्टी परसेंट ऐसे कर दिया ना तो बायोलेट्रल तुम्हारा तुम्हाराट्रिक और ए सिमेट्रिकल जो कहीं से भी काटोगे भाई नहीं आएगा बराबर दो इक्वल हाफ तुमको कभी नहीं मिलेगा इस तरह के फ्लावर को हम ए सिमेट्रिक कहते हैं ए सिमेट्रिक ठीक है ए सीमेट्रिक तुम्हारा फ्लावर आ जाता है ठीक अच्छा ए सीमेट्रिक का फ्लावर का एग्जाम्पल आ गया कन्ना ठीक है सी ए डबल एन ए कन्ना को भी कहीं से भी ना उसका पेड़ देखो केला के ऐसे पत्ते का पेड़ होता है ऐसे बिल्कुल ऐसे एक लीफ बड़ा एक फ्लावर का छोटा है ना तो इसको आप कहीं से भी काटेगा तो इक्वल हाफ में नहीं आएगा ठीक है जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल आ जाएगा पी गुलमोहर बीन एंड कैशिया पी गुलमोहर बीन एंड कैशिया ठीक है और एक्टिनोमार्फिक का एग्जाम्पल आ जाएगा मस्टर्ड धतूरा छिली ठीक है तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है मस्टर्ड धतूरा छिली तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक ये तुम्हारा जायगोमॉर्फिक और ये तुम्हारा ए सीमेट्रिकल अगेन फ्लावर तुम्हारा अलग अलग फ्लोरल अपेंडेजेज रह सकता है मतलब तीन के पेयर में अगर मान लो तीन पेटल है तीन कैलिक्स है तीन एंडोशियम है तीन गाइनेशियम है तो इसको हम कहते हैं ट्राइमेरस अगर तीन फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, तो इसको हम ट्राइमेरस कहेंगे अगर चार है तो टेट्रामोरस पांच है तो पेंटामेरस ठीक है ट्राइमेरस का एग्जाम्पल पूछता है ट्राइमेरस का एग्जाम्पल यूजली मोनोकॉड में ट्राइमेरस होता है ठीक है और पेंटामेरस कैन बी सीन इन केस ऑफ सनफ्लावर है ना सनफ्लावर में तुम्हारा पेंटामेरस होता है फ्लावर्स विथ ब्रैक रिड्यूस्ड लीव अगर ब्रैक रिड्यूसड लीवस है वो पेडिसल पे तुम्हारा ये रिड्यूस लीव पेडिसल पर पे पाया जाता है जिसको हम ब्रैक्टिट कहते हैं छोटा पे, तो तो के, के छोटा 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 लीव अगर मिल जाए पेडिसल पे तो उसको हम ब्रैक्टिट केंगे तुमको दिख जाएगा सनफ्लावर इसके केस में हाइबिस्क केस में राइट अगर छोटा छोटा लीव प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम ई ब्रैकटेट कहते हैं अगर ब्रैक्स प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिट कहेंगे अगर ब्रैक्स प्रेजेंट नहीं है तो ई ब्रैकटेट पिटूनिया में तुमको ब्रैकटेट्स नहीं दिखेगा ठीक है तो अगर ब्रैक प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक नहीं प्रेजेंट है तो ई इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट नहीं है इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट नहीं है टाइप ऑफ ओवरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ओवरी फ्लावर्स तीन तरह के होते हैं पहला होता है हाइपोगाइनेस अगर ओवरी सबसे ऊपर है देखो थैलेमस में सबसे ऊपर अगर ओवरी है मतलब अगर ओवरी सुपीरियर है अगर ओवरी सुपीरियर है तो इसको हम लोग हाइपोगाइनस कहते हैं मतलब हाइपोगाइनस तुम्हारा सबसे सुपीरियर होगा ओवरी ठीक है सबसे ऊपर तुम्हारा ओवरी होगा देख लो ना सबसे ऊपर ओवरी है ठीक है अगर ये दोनों बीच में है ठीक है ये भी तुम्हारा हाइपोगाइनस हाँ ये तुम्हारा ये तुम्हारा पेरीगैनस अगर बीच में ओवरी है बीच में अगर मान लो यहां पे कहीं बीच में है ठीक है बीच में एक लाइन पे है मतलब हाफ इन्वर्टेड है अगर हाफ इंफीरियर है अगर मतलब आधा बीच में ठीक है, तो है, है, है. है तो इसको हम कहते हैं पेरी गाइनस इसको हम कहते हैं पेरी गाइनस ठीक है और अगर पूरा इंबेडेड या पूरा इंफीरियर है ठीक है ये दोनों पेरी गाइनस है अगर पूरा इंबेडेड या पूरा इंफीरियर है तो इसको हम कहते हैं एपी गाइनस अगर ओवरी पूरा इंफीरियर है अगर ओवरी पूरा इन्फीरियर है तो इसको हम कहते एपी गाइनस इसको हम कहते हैं एपी, इसको हम कहते हैं, एपी ठीक है तो अगर ओवरी पूरा इन्फीरियर है तो वील कॉल इट एपी गाइनस बहुत अच्छे ठीक है तो देखो तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कोरोला एंडोशियम एंड गाइनेशियम ये हाइपोगाइनस है हाइपोगाइनस में तुम्हारा एग्जाम्पल आ गया मस्टर्ड चाइना रोज एंड ब्रिंजल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है मस्टर्ड चाइना रोज एंड ब्रिंजल ठीक है दूसरा अगर बीच में आ गया तो हाफ इंफीरियर प्लम पीच और रोज ये पचासों बार आ चुका है सेम एग्जाम्पल पचासों बार आ चुका है ठीक है और एपिगैनस के केस में तुम्हारा गोवा आ जाएगा एपिगैनस के केस में तुम्हारा गोवा कुंबर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर गोवा कुकुंबर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर ये भी पचासों बार आया हुआ है ठीक है बहुत बार ये सेम एग्जाम्पल्स से रिपीट उठ के एज इट इज आ जा जाता है सेम एग्जाम्पल एज इट इज रिपीट होके आ जाता है ठीक है हाँ जी चल अब आते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर चार पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे पहला यार टाइम हो गया या तो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हम लोग कल कर लें क्या पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर बचा हुआ एस्टिमेशन बचा ना हाँ इसको कल ही कर लेते हैं क्योंकि लंबा है इसमें सारा एंडोशियम गाइनेशियम है ठीक है इसको हम लोग कल कर लेते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ है फ्लावर फ्रूट सीड और आपका स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉर्ट सीड डाइकॉर्ट सीड और उसके बाद हम लोग वो करेंगे लो गड़बड़ हो गया हम लोग अब बाकी सारे चीज़ें भी इसमें करेंगे इसको कीप करो और उसके बाद जब जुम को देखते आ जाता है तो हाँ ये वाला रीजन सॉरी गड़बड़ हो गया था हाँ एनी ठीक है बाकी गाइस तो हम लोग बाकी वाला पार्ट जो पूरा फ्लावर का पार्ट है बाकी सारा वो कल कर लेंगे और कल सेम 12 बजे क्लास होगी तुम्हारी ठीक है आज तो ये पाँच बजे हो गए क्योंकि थोड़ा टाइमिंग का कुछ इश्यू हो गया था तो कल बारह बजे तुम्हारी क्लास है तो इसको हम लोग सेकंड पार्ट में पूरा कंप्लीट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है इसको प्रॉपरली कंप्लीट कर लेंगे सेकंडली गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करना और इसका पीडीएफ मैं अभी शेयर कर दूंगा यहाँ पे टेलीग्राम नीट प्लस ठीक है ये नीट प्लस टेलीग्राम पर यहाँ पर मुझे आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे इसका पी वगैरह सब कुछ मिल जाए ठीक है बाकी आई एल सी यू इन क्लास अभी सात बजे मस्त अमेजिंग सौ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बहुत बहुत अमेजिंग सौ क्वेश्चन करने वाले हैं तो सबके सब सात बजे आ जाएंगे सात बजे आज क्वेश्चन राउंड है फुल सिलेबस सौ बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन करने वाले हैं तो सबके सब, सब सात बजे आ जाएंगे ठीक है तो आई एलसीयू एवरी वन एट सेवन पी एम शार्क ठीक है तो सब लोग ये टेस्ट देंगे ये मैंडेटरी एक बार देखते हैं हम लोग कितने मार्क्स आते हैं आपको ठीक है तो सात बजे सबके सब आ जाएंगे बाकी वीडियो को लाइक कर देना इससे ज्यादा एक्जाम्पल्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं अगेन मॉर्फोलॉजी वाला रट्टाफिकेशन चैप्टर है आज कोशिश करना इतने एग्जाम्पल्स आप आज के आज ही कंप्लीट कर लो ठीक है आई सी यू इन क्लास बाय बाय टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे